हरदोई में बड़ा सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफिले में हादसा हुआ है। हादसे में 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। सपा अध्यक्ष हरदोई के एक शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे, इसी दौरान यह दुर्घटना हुई है। हादसे में अखिलेश यादव की कार को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। हादसे में घायलों को आनंद फानन में अस्पताल पहुँचाया गया। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां अखिलेश यादव के काफिले में पीछे पीछे चल रही थी। दुर्घटना के बाद वाहनों को साइड में लगाकर यातायात को सामान्य करा दिया गया। इस दुर्घटना के बाद अखिलेश यादव का काफिला आगे निकल गया। अखिलेश यादव मलबा थाना क्षेत्र के बैठापुर गांव में एक शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे, इसी दौरान उनके काफिले की 6 गाड़ियां हादसे का शिकार हो गयी। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई। हादसे में 6 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। दुर्घटना रेलवे क्रॉसिंग के पास गाड़ियों के रुकने के दौरान घटी है। हालांकि उनका काफिला आगे निकल गया। कार्यकर्ताओं ने दुर्घटना में घायल लोगों की जानकारी भी ली। हरदोई में 6 गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ गई। हरदोई में अखिलेश के काफिले की एक गाड़ी के रुकने का मामला सामने आया। ब्रेक लगाए जाने के कारण गाड़ी रुक गई। इसके बाद पीछे से आ रही गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। मल्लावा की फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास इस दुर्घटना का मामला सामने आया। 6 लोगों के मामूली रूप से घायल होने का मामला सामने आया है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाया गया, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, UV इंडिया न्यूज़।